वनराज शाह की सारी बाजी को पलट देगा अनुपमा का पांच पन्नों का भाषण और होगी डिम्पी टीटू की शादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस सच को लेके वनराज शाह इतना उछल रहा है, टीटू की मां की रियलिटी, टीटू की मां ने मर्डर किया है, जेल में गई है वगैरह वगैरह, और टीटू ने यह बात डिम्पी से छुपाई है, ये बात वो सामने लाना चाहता है। और इस बात के सामने आते ही डिम्पी भी थोड़ा सा पीछे हटेगी, मगर जहां पे अनुपमा है वहां पे सच्चाई की जीत है, वहां पे अच्छे के साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा अपने हक के लिए नहीं बोल पाती है, ना ही कुछ कर पाती है, क्योंकि उसको शायद दुखी रहना ही अब सूट करता है। बट अनुपमा दूसरों को दुखी नहीं देख सकती है, ये बात हम जान चुके हैं, चाहे उसके सामने श्रुति ही क्यों ना हो। यहां पे तो उसकी अपनी बेटी डिम्पी है जिसको उसने इतने सारे सदमों के बाद यहां तक पहुंचाया है। डिम्पी की शादी और इतना बड़ा कांड हो जाए कि टीटू का वो सच सामने आ जाए और डिम्पी को ना पता हो जो वनराज शाह लाना चाहता है। अब सबसे पहली बात कि वनराज शाह डिम्पी को बेटी कहता है और बेटी को वो इस तरह जलील कर रहा है सबके सामने, वही होगी ना, इतना उसने चाव से इतना सब कुछ तैयार हुई, कह रही है कि मेरा दूल्हा आ गया, ये सब बोल के वो खुश है, इतनी खुश है, और उसकी खुशी को आग लगा रहा है, अपने पैसों के साथ साथ उसकी खुशी, बच्चों सबकी खुशियों को आग लगा रहा है, क्योंकि उसको तमाशा करना है, उसको ये खेल देखना है पैसे खर्च करके कि कैसे टीटू की शादी टूटेगी। और टीटू को दुखी देखने के लिए वो अपनी बेटी को भी दुखी करना चाहता है, यह वनराज शाह की अप्रोच है। मगर यहां पे अनुपमा भी है, उसकी भी एक अप्रोच है, वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहती। और यहां पे जब टीटू की मदर का सवाल आएगा, जब वनराज शाह टीटू की मदर को बुरा भला कहेगा और यहां तक कि टीटू को थप्पड़ तक मार देगा, तो फिर अनुपमा जरूर बोलेगी, अनुपमा का वो पांच पन्नों का भाषण जरूर बोलेगा। यहां पे अनुपमा डिम्पी को भी ताकीद कर सकती है कि कहां गया तुम्हारा विश्वास, अगर उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, कभी कभी कोई बात होती है जो बाद में भी बताई जा सकती है, इसमें क्या था ऐसा जो उसने पाप किया है जिसको जान के तुम्हें धक्का लग रहा है, अपनी मां का ही साथ दिया है ना, और क्या किया है। तो अनुपमा जब ये बातें करेगी तो डिम्पी की आंखें भी खुलेंगी, क्योंकि एक बार तो डिम्पी शॉक्ड होगी, और अगर डिम्पी को पहले से पता है फिर तो कहानी वैसे ही सीधी हो जाती है, मगर लगता है कि डिम्पी को नहीं पता, क्योंकि उसके आज जो शॉर्ट्स लगाए गए एपिसोड में कि मेरा दूल्हा आ गया, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अंश कितना खुश है, इसका मतलब यह है कि डिम्पी को यह धक्का लगने वाला है कि उसको ये बात टीटू ने नहीं बताई है। तो नहीं बताई है कि पीछे भी कोई बात होगी, ये बात जाने बिना डिम्पी अगर वनराज शाह का साथ देती है तो अनुपमा डिम्पी को भी चार हिदायतें जरूर देगी। और जब अनुपमा अपने पे आ जाती है तो वो हर किसी को समझा देती है राइट और रॉन्ग के बारे में। और यहां पे एक मां का सवाल है, टीटू की मां का, तो अनुपमा की जो भी बातें होंगी उससे, जो भी क्रक्स निकलेगा उससे वनराज शाह की बाजी पलटेगी ही पलटेगी, देखता रह जाएगा वनराज शाह। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.